मारदूबी ओपी से महज 100 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। मामला मंगलवार देर रात 2 बजे का है। 8 से 10 की संख्या में अज्ञात अपराधी दीवाल लांग कर कुमारदूबी क्लब के पीछे रहने वाली नर्स रेखा साहू के घर में दाखिल हुए और जमकर उत्पात मचाया। घटना के संबंध में भुक्तभोगी ने बताया कि रात के लगभग 2 बजे 8 से 10 की संख्या में अज्ञात अपराधी घर में दाखिल हुए। उस वक्त अपने घर के पूजा वाले कमरे में सो रही थी, तभी अपराधियों ने उन पर हमला बोल दिया और उनके हाथ पैर बांध दिए, उनके मुंह पर सेलो टेप लगा दिया। इतना ही नहीं, उनमें से एक अपराधी ने रेखा के पेट पर बैठ गया और उसके चेहरे पर घूसे और फाइट से प्रहार करने लगा। रेखा के कान से सोने के झुमके और उंगली में पहनी हुई अंगूठी भी उतार ली। रेखा ने बताया कि वो लोग मारपीट कर उससे अलमारी की चाबी भी ले लिए और अलमारी में रखे नगद 50,000 रुपये के साथ ही कुछ जेवर भी साथ ले गए। रेखा ने बताया कि कुछ दिन पहले पास में रहने वाले रवि यादव के साथ रास्ते को लेकर उनकी काफ़ी बहस हुई थी। उन्होंने आशंका जताई कि शायद इस घटना के पीछे उसी का हाथ हो। रेखा ने घटना की सूचना कुमारदूबी पुलिस और पंचायत के पूर्व मुखिया संतोष शाव को दी है। घटना की जानकारी मिलते ही कुमारदूबी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की तफ्तीश में जुट गई। ओपी प्रभारी ललन प्रसाद ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वो लोग घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली, कहा कि लिखित शिकायत के आलोक में जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 5 दिन पहले जमीन के विवाद के लिए हुआ, रास्ता के लिए कि आदमी जाने का अलग रास्ता चाहिए, गाड़ी जाने का अलग रास्ता चाहिए। उसके बाद में हम बोले कि आदमी जाने का तो रास्ता है, ये है। किससे हुआ था विवाद? ये विवाद हुआ है कमलेश्वर यादव का बेटा रवि यादव के साथ में। अच्छा। उनके पूरा फैमिली हमसे झगड़ा किया। अब उसके बाद में सिविल को दूसरे दिन पप्पू यादव को लेके आया मेरे घर में करीब 6 बजे सुबह को। लेके आने के बाद में बगल वाला मास्टर जी से पूछा क्या बात है, तो वो भी बताएं कि रास्ता के लेकर झगड़ा, ये लोग छोटा छोटा बात के लिए झगड़ा करते रहता है। उसके बाद आके पप्पू यादव बोला कि झगड़ा लड़ाई मत करिए, मिल के रहिए, रास्ता तो कर दिया गया है, रास्ता पार होगा, वो बोल के फिर चल गया। उसके बाद में कल रात को अचानक करीब 2 बजे ये लोग आगे वाला दरवाज़ा खुल कर, आगे वाला जो दरवाज़ा है वही दीवार फान करके ये लोग घुसा। पूजा वाला रूम में हम सोए हुए थे, चारों तरफ दरवाज़ा बंद था, करीब पूजा का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके बाद में ये लोग मेरा दोनों हाथ को बांधा, दोनों पाँव को बांधा, मुंह में सेलो टेप साट दिया और उसके बाद में सिर्फ हम ही को पेट में बैठ के मार पीट करके फिर चाबी लिया। बोला चाबी कहाँ है, कहाँ पैसा है बोलो। फिर हम बोले कि नहीं है पैसा, तो बोला नहीं पैसा है तुम्हारा पास में, फिर चाबी कहाँ ही बताना, तो तुमको जान से मार देंगे। फिर मारा पीटा, तब उसके बाद में चाबी बोले वहाँ टांगा हुआ, हम लोग हमको मत मारना, ठीक है जो चाबी हुआ टांगा है ले लीजिए। फिर चाबी ले लिया, ये अलमारी तोड़ के इसमें पैसा था और हम पैसा करीब हम कल हॉस्पिटल से उनको पेमेंट मिला था, डॉक्टर साहब ने हमको दिया था करीब 50,000 रुपये मेरे पास में था नकदी केस, वही ला कर रखे थे। जेवरात भी थे? हाँ, जेवरात में से हाथ का मेरा अंगूठी जो हम पहने थे वो अंगूठी को ले लिया और कान वाला था, कान वाला टान लिया और अनमारित में बेटी का शादी के लिए रखे थे जो कान का, गोड़ का पायल और नाक का था 4-5 गो। लगभग कितना का था जेवर? जेवर वही मेरा मान के चलिए 81 लाख रुपया का करीब होगा और नकदी पैसा 50,000 रुपया नकदी कल ही तो लाए थे। उसके बाद में पूरा अनमारी को तोड़ दिया गया, तोड़ ताड़ के हमारा तो बांधा हुआ थे, अब पूरा हम तो छट पटा रहे थे और पेट में जो पेट के मारा तो मेरा आँख मुंह और इस अब पूरा आँख में ये सब जो पोजीशन किया वो मारने के लिए ही आया था, सांस मेरा रुक गया था, बोला था कि मेरा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। खुद महिला नर्स के घर पे आवास पे बीती रात्रि घटना को अंजाम दिया गया, सर क्या अभी तक पुलिस कार्रवाई इस पर? इसमें हम लोग घटनास्थल पर गए हैं, इस संबंध में बाद में के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, उसका हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच कर जो आवश्यक कार्रवाई होगा वो हम लोग अपने स्तर से करेंगे।